ईश्वर ही है और है कौन। प्यारे खोजियों, जो प्रार्थना सभी का भला और तीव्र गति से तेज लाभ कर सकती है, वह है विश्व के सारे लीडर्स के लिए प्रार्थना करना। विश्व के सारे लीडर्स एक दिशा में काम करें तो परिणाम जो आएगा जल्द और भव्य होगा। तो प्रार्थना में विश्व के सारे लीडर्स के लिए तीन चरण क्या रखने चाहिए? पहला, विश्व के सारे लीडर्स नायक निस्वार्थ भाव से विश्व शांति और संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए काम करें, वे सब शांति दूत बने। उसका दूसरा चरण ये हो कि विश्व के सारे लीडर्स आउट ऑफ बॉक्स की सोच रखें, यानी समस्याओं का रचनात्मक समाधान वे ढूंढ पाएं। जो विश्व में पहले कभी नहीं हुआ वह सब मिलकर प्रेम आनंद मौन से आयोजित करें। तीसरा चरण, विश्व के सारे लीडर्स की इच्छा वही हो जो ईश्वर की इच्छा है, यानी जो ईश्वर की इच्छा है वही इच्छा विश्व के सारे लीडर्स रखें। यह संभव है, ऐसा हो रहा है। सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी प्रार्थना के लिए तैयार हो जाएं। विश्व शांति की प्रार्थना, सभी के मंगल के लिए की जाने वाली प्रार्थना। एक कल्पना शुभ्र प्रकाश की, जो विश्व में सभी को स्वास्थ्य दे, सभी को होश दे, समृद्धि दे, सभी इस होश से न केवल नकारात्मक चीज़ें समाप्त करें बल्कि सकारात्मक चीज़ों को अपने जीवन में लाएं। ऐसा प्रकाश सब जीवों पर उतर रहा है ऐसा महसूस करें। सभी आंख बंद करके अपने सामने देखें, पूरे ग्लोब पर, पूरी पृथ्वी पर और संसार में रहने वाले हर प्राणी पर वाइट लाइट, शुभ्र प्रकाश नीचे आ रहा है। सभी इसमें प्रसन्न हो रहे हैं। सभी के चेहरों पर मुस्कान आ गई है। सभी हाथ उठाकर इसे ग्रहण कर रहे हैं। सभी सुकून महसूस कर रहे हैं। सभी तंदुरुस्त महसूस कर रहे हैं। सभी अपने शरीर में हल्कापन महसूस कर रहे हैं। सभी अपने आप को तेजोमय, तेजोवान महसूस कर रहे हैं। सभी इस तेज में नहा रहे हैं, अपनी बुद्धि, अपना विवेक जगा रहे हैं। हर सेल में
यह प्रकाश प्रवेश कर रहा है अंतर्मन तक, भेद कर लाभ दे रहा है। अंतर्मन और बाहरी मन में जो बड़ी दीवार है वह समाप्त हो रही है। जो समझ बाहरी मन को मिल रही है वही समझ अंतर्मन को मिल रही है। इसलिए सभी प्रेम से रहने के लिए तैयार हो रहे हैं, भाईचारे के साथ रहने के लिए तैयार हो रहे हैं। सभी के लिए ये आसान हो रहा है। पहले अज्ञान में बाहरी मन कुछ कहता था, अंतर्मन कुछ और ही करता था, इसलिए संघर्ष था, इसलिए कन्फ्यूजन था। आखिर जो करना चाहते हैं वह कर नहीं पा रहे, जो कर रहे हैं वह करना नहीं चाहते। ये कब समाप्त होगा, यह द्वंद्व कैसे समाप्त होगा? इस प्रकाश में द्वंद्व समाप्त हो रहा है, द्वंद्व साफ हो रही है। चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है, ठंडक देने वाला प्रकाश, सुबह की धूप में सुकून देने वाला प्रकाश, जिसमें अंतर्मन बाहरी मन सभी मिलकर मनुष्य के लिए एक दिशा में काम कर रहे हैं। सभी समृद्ध और संतुष्टि महसूस कर रहे हैं। ऐसा होना संभव है, यह हो जाए, ऐसी प्रार्थना मैं कर रहा हूँ, ऐसी प्रार्थना मैं कर रही हूँ। ऐसा भाव मन में लाएं, पूरे दिल से। सभी को यह ब्लेसिंग मिले। मे गॉड ब्लेस ऑल। इस प्रकाश से ईश्वर की कृपा सब तक पहुँच रही है। यह कृपा प्रकाश है जो सबको उपचार दे रहा है। सभी में प्रेम आनंद मौन की वर्षा कर रहा है। सभी खुशी से इसे ग्रहण कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। यह होते हुए देखो। यह प्रभावशाली प्रार्थना सब पर केवल सकारात्मक असर ला रही है। सारी नकारात्मकता दूर हो रही है। ये प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। आपकी आंखों के सामने ये चारों तरफ फैल चुका है, जिसमें आप भी हो। आप पर भी ये किरणें उतर रही हैं, आपको प्रेम से भर रही हैं। आप सभी के लिए मैत्री से भर गए हैं। सभी के उत्थान के लिए आप दिल से प्रार्थना कर रहे हैं। आप दिल से चाहते हैं सारे रोग समाप्त हो जाएं, सारी परेशानियां समाप्त हो जाएं, अज्ञान दूर हो जाए, होश खुल जाए। सभी स्व अनुभव करें, अपने अनुभव से जानें कि चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी डर की आवश्यकता नहीं है, सब भरपूर है। सभी अनुभव करें। इसी प्रार्थना को अपने शब्दों में दोहराते रहें।
आंखें बंद रखते हुए अपने शब्दों में इस प्रभाव को होते हुए देखें। मुस्कुराते हुए सबको देखें, आप भी मुस्कुराएं, क्योंकि ये सफल हो रहा है। प्रसन्न होकर प्रार्थना करें। अंत में जो तप का बल अर्जित हुआ है, जो अच्छा महसूस हो रहा है, सबको मिले, सबको मिले, इस भाव से तपर्पण करें। सभी आंखें खुलें, आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। तो आपकी काया, इतनी बड़ी काया, उसका अर्क क्या है? तेजस्थान पर क्या अर्क है? इसेंस क्या सुगंध है? उस अर्क को, उसका स्वाद लेना है। जिन्होंने वो स्वाद लिया उसी की ही बाद में चर्चा की। देखो, आप अमृत पीते हो, सबको पिलाते हो, प्रसाद लाते हो, सबको खिलाते हो, तो असली स्वाद मिलता है ना, तो लगता सबको ये स्वाद मिले। तो इस स्वाद को पाने के लिए शब्द बने स्वर्क, स्व अर्क, न अर्क, यानी जहां अर्क नहीं है। अंधेरा रोशनी क्या? रोशनी अंधेरा का अर्थ है क्या? जहां रोशनी नहीं है। अंधेरा नाम की चीज होती है क्या? नहीं होती, सिर्फ वहां रोशनी कम है, इंसान की आंख देख नहीं सकती, सिर्फ इंसान की आंख देख नहीं सकती। उल्लू तो उसमें भी देखता है, ये तो सिर्फ आंख की लिमिटेशन है कि अंधेरे में कौन सी रोशनी है उसको दिखता नहीं। अंधेरे में भी रोशनी है। आप आंख बंद करते तो कहते हो अंधेरा ही अंधेरा था, मगर ये अंधेरा कौन सी रोशनी में देखा जा रहा था? आपने कहा ना, मैंने अंधेरा देखा। कैसे देखा? किस रोशनी में देखा? वो तेज रोशनी, उसी के लिए ही तो सब काम चलता है। जो अंधेरे रोशनी के परे है, जो रोशनी को भी जानता है, अंधेरे को भी जानता है। दोनों किस रोशनी में प्रकाशित होते हैं? एक ऐसी रोशनी है जिसके अंदर दोनों प्रकाशित होते हैं, अंधेरा और रोशनी, वो तेज रोशनी, लाइट कहा गया। लाइट ईश्वर के लिए कहा गया, लाइट, ईश्वर प्रकाश है। तो किस लाइट की? जिसके अंदर अंधेरा भी दिखता है, रोशनी भी दिखती है, और आपके अंदर ही दिखता है सब। मगर ये सब जानकारी न होने की वजह से हम आंख बंद की तो अंधेरा अंधेरा, चलो क्या करके बैठना, इससे अच्छा तो ये होमवर्क कर ले, दो कस्टमर हैंडल कर ले, किचन का कार्य कर ले, सफाई कर ले, तो इंसान बैठता ही नहीं ध्यान में। अब पकड़ में आया कि किस रोशनी की बात चल रही है। तो स्वर्ग में भी नहीं सोना, नर्क में भी नहीं सोना। अर्थ समझोगे तो नहीं सोने वाले, अर्थ नहीं मालूम है तो कल्पनाओं में रहने वाले हैं, शकचिली की तरह। तो इससे बाहर आकर देखें क्या बताया जा रहा है। और दोनों से मुक्त होना है, दोनों के पार। कौन से स्वर्ग नर्क? जो इंसान ने बना के रखे हैं। हर धर्म में स्वर्ग नर्क की एक कल्पना की गई है, उससे बाहर आना है।
तो इंसान ने जो स्वर्ग बनाया भी अपनी कल्पना में वो भी नरक ही था। असली स्वर्ग तो इन दोनों के परे है, उसको जानना है। मृत्यु उपरांत जीवन क्या है उसको भी जानना ही है। एक एक कदम पर आपको हर रहस्य खोलकर बताया जाएगा। मगर आज जितना समझा है उसके अनुसार कार्य करो। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।